Assalamualaikum. चैनल जायका दिल्ली 6 में आज हम बनाने वाले हैं खाजा। खाजा बहुत ही आसानी से बन जाता है जो आप हमारे हर स्टेप को फॉलो करेंगे। इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, 2 पिंच कह सकते हैं। इसके अंदर हल्का सा नमक मिठास के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। बस हमने 2 पिंच ही डाला है। नमक को मिक्स कर दें। कुकिंग ऑयल डाल देते हैं, 1/4 कप है, मेजरिंग कप से नाप के इसको मिक्स करते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब होगा ऑयल ये हमारा। ये देखें, इस तरीके से आप बांधें तो ये बंध जाना चाहिए। बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके हम इसका टाइट आटा गूंदेंगे। जो चपाती बनाते हैं उससे हमें टाइट रखना है। हमने इसमें ऑयल डाला है तो इसलिए इसके अंदर पानी बहुत ही कम जाने वाला है। तो बस इसको यूं करके पहले एक साथ मिक्स करें। 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम पानी इसके अंदर गया है। बस अभी हम हाथ से थोड़ा सा देखेंगे, ये रफ है तो हाथ से मसल के अभी हम इसको कवर करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए। इतना हम आपको बताते हैं कि इसकी चाशनी। तो ये पैन ले लेते हैं, 1/2 कप चीनी ले लेते हैं। जितनी आप चीनी लेंगे उससे 1/2 इसके अंदर जाएगा पानी। पानी ले लिया है, अभी हम इसे साइड छोड़ते हैं। सिर्फ चीनी घुल जाने तक पकाना है। चाशनी भी हमने एकदम से स्लो फ्लेम पर पकने रख दी है और अब हम इसे निकालते हैं। देखें कितना बढ़िया सा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है ये, और पूरा मिक्सअप सा भी हो गया है। अभी हम इसमें से लेते हैं 4 पेड़े तोड़ लेते हैं 1 साइज के, और उन 4 रोटियों को बेल भी लेते हैं। ये जो लास्ट वाली है थोड़ी सी बड़ी बेलेंगे हम ये सब रोटी से, सरासी बड़ी बस। सबसे पहले हम इस पे ऑयल लगाते हैं। आप घी भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं। इसको अच्छे से पूरे में फैला देते हैं। अब इसके ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देंगे। अब इसमें से एक ये लेते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं। हल्का सा मैदा हमने इस पर डस्ट कर दिया था जब हमने ये एक के ऊपर एक रखी थी, ताकि ये चिपके नहीं। ये लास्ट वाली तय है हमारी। इसके अंदर इस तरीके की हवा हो तो उसे निकाल दें आप। यूं दबाते हैं बहुत ही हल्का सा, और हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड आपको थोड़ा सा दबा के करना है। सबसे नीचे वाली ये थोड़ी सी मैंने बढ़ा के रखी थी। सबसे लास्ट में क्या करें, हल्का सा इन 3 या 4 या 5 लेयर की जो आप बना रहे हैं इस पे हल्का सा पानी लगाएं, बहुत ही हल्का सा, और यूं पीछे ले जाके थोड़ा सा यूं खींचते हुए हम इसे बंद कर देते हैं। इसको 1 मिनट के लिए मैं साइड करती हूँ। ये देखें, सिर्फ इतना पानी डालें और चीनी घुल जाने तक पकाएं बस आप इसको। और ये इस तरीके की थोड़ी सी टाइट चाशनी चाहिए। हम अभी भी इसमें एक आध थोड़ा सा दिख रहा है, तो हम इसे 40 सेकंड के लिए और पका लेते हैं और इसको साइड रखते हैं। और इस पर चढ़ाते हैं ऑयल, जिसमें हम करेंगे अपने खाजा फ्राई। इसमें डाल देते हैं 1 पिंच इलायची पाउडर, इससे खुशबू बढ़िया सी आएगी। इलायची पाउडर की वीडियो समीनास किचन टिप्स यानी हमारे दूसरे चैनल पे अपलोड है। तो ये चीनी घुल चुकी है, हम इसे साइड रख देते हैं। तो हमने इसका ये जोड़ यहाँ ला के थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दिया था। आप भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, उससे क्या होगा ये थोड़ा सा जोड़ अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी ये साइड हटा देते हैं, बहुत ही ज़रा सी हटाएंगे बस। और इसके बाद हम इसमें से ये 1/2 इंच के पीस काट लेते हैं, इससे ये चिपकेगा नहीं। बस इतना 1/2 इंच के करीब हम ये काट लेते हैं। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, बहुत ही कम, जिधर जोड़ है उधर से लेके हल्का सा पहले हम इसको यूं हाथ से दबाएंगे।
ताकि ये इसी शेप में रहे। बहुत ही कम मैदा डस्ट करें आप इसके ऊपर और बस इसको बहुत ही हल्के हाथ से बेल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा लंबा करके बेलें आप इसको। बस ये हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। ऑयल हमने गरम रख दिया है, बहुत तेज गरम ऑयल हमें नहीं चाहिए। हम ये सब बेल लेते हैं। ये हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है, मीडियम फ्लेम पर गरम हुआ है। अभी हमने इसको स्लो फ्लेम कर दिया है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा पीस डाल के देखते हैं। ये हमने जो साइड काटी थी खाजा की, वो है, हमने वो भी बेल लिए कि क्या फ़ायदा वेस्ट जाए कोई चीज़। तो इसमें डालकर देखते हैं। जैसा आपने समोसे फ्राई किए होंगे या फिर मटरी फ्राई की होगी या फिर नमक पारे जो बनाते हैं, बस उसी तरह से फ्राई करना है। यानी कि इसको फ्राई करने में लगती है थोड़ी देर। ऑयल बहुत तेज़ गर्म कर लेंगे, जल्दी से कलर आ जाएगा और वो अंदर से ही आपके खाजा कच्चे रह जाएंगे। कच्चे रह जाएंगे तो ये क्रिस्प नहीं होंगे और ये सॉफ्ट हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी खाने में तो अच्छे लगेंगे ही नहीं, लेकिन आप इसको रख भी नहीं सकते हैं। एक मिनट और हमने ऑयल गर्म किया है, अभी हम इसमें ये खाजा डाल देते हैं। डालते ही कलर भी नहीं बदलना चाहिए और डालते ही ये ऊपर भी नहीं आना चाहिए। मीडियम फ्लेम कर दिया था लेकिन हमने फिर से इसको स्लो कर दिया है। और आप देखें, जब ये इस तरीके से ऑयल से ऊपर आ जाएं तो इनको आप पलट सकते हैं। 3 मिनट के करीब हो गए हैं, दोनों साइड से सेकते हुए हमें इन्हें। अभी हम इसके फ्लेम को बढ़ा देते हैं। 3 से 4 मिनट ही हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन बातों का आपको। जल्दी से कलर आएगा तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, कच्चा रह गया तो सॉफ्ट हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा फ्लेम और बढ़ाते हैं क्योंकि सब पीस निकाल लेंगे हम। ये थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और हल्का सा गर्म ही होगा जब हम इसको शुगर सिरप में डालेंगे। ये देखें, सिरप आपका इस तरीके का होना चाहिए। तो बस हम क्या करते हैं, ये एक खाजा ले लेते हैं और इसको इसमें डाल देते हैं और पूरा अच्छे से डुबाते हैं और इसको निकाल के किसी और चीज़ में रखते हैं। जितनी लेयर है सब में जाना चाहिए ये इसका सिरप। अभी हम इसी में साइड छोड़ते हैं। आप कम मीठा पसंद करते हैं तो सारे खाजा किसी ट्रे में या प्लेट में लगा लीजिए और ऊपर से भर के इसको सिर्फ इस तरीके से सिरप भी डाल सकते हैं। चाशनी में सारे अच्छे से यूं कर करके रख लिए हैं और 3-4 जो हमें मीठे नहीं करने थे वो हमने यहाँ साइड में रख लिए हैं। हल्का सा गर्म है अभी भी ये देखें, एकदम क्रिस्प। ऐसा खाजा आपका होना चाहिए, बिल्कुल लाजवाब। कितनी तय है मुझे भी नहीं पता, कितनी तय के साथ ये खाजा हमारा हुआ है तैयार। इतना क्रिस्प, एकदम लाजवाब। ये बेहतरीन से खाजा ज़रूर बनाएं हमारे तरीके से, जायका दिल्ली 6 के तरीके से ज़रूर बनाएं। हमसे जुड़ें, हमारी हौसला अफजाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे ये खाजा को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलें। और हमारे क्विक डेली रेसिपी चैनल है, उस पर आपको ज़्यादातर हमारे हर रेसिपी की क्विक रेसिपी मिल जाएगी। और उस पर क्विक में आपको कुछ बनवाना है तो ज़रूर से कमेंट करें। और वो चैनल भी आपका है, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।